इंडिया में हर एक मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी जानलेवा। पर लोगों ने इस दिल की कभी नहीं सुनी। पूछो क्यों? क्योंकि इन लोगों का एज ग्रुप 30 साल से 50 साल का था। वो चुनौती है हार्ट अटैक। ऐसे 8-10 हादसे देखने के बाद लोगों ने बेचारे इस दिल की अब जाके सुनी है। और चूंकि फिट लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। डरो मत, ये साइंटिफिक और अवेयरनेस वीडियो है। पर सवाल ये है कि हाल फिलहाल यंग इंडियंस जो हार्ट अटैक से लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या वो कोरोना वैक्सीन की वजह से है, क्या वो जिम जाने की वजह से है, या असलियत कुछ और ही है? और हाँ, What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never. लास्ट में इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मेडिकल 3D एनिमेशन से समझो कि हार्ट अटैक होने पर एग्जैक्टली कौन सी नस में क्या हो रहा है। देखो, ये आपका हार्ट यानी दिल है और इसका काम है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। और सप्लाई कैसे करेगा? इस तरीके से ब्लड को पंप करके। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके घर में लगी हुई वाटर मोटर पानी को पंप करके ऊपर टंकियों में चढ़ाती है। खैर, आपके हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पंपिंग चैम्बर है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी पिचकता है, तो ब्लड इस एओर्टा से होता हुआ आपकी बॉडी में चला जाता है। ये एओर्टा और कुछ नहीं, बस लार्ज आर्टरी है। आसान भाषा में कहूँ तो आपके दिल से जुड़ा हुआ एक पाइप है जो आपकी बॉडी में खून भेजता है। मुद्दे की बात यह है कि एओर्टा से कनेक्टेड हैं ये कोरोनरी आर्टरीज, जो वापस आपके हार्ट से जुड़ी हुई हैं, और आपके दिल ने जस्ट अभी जो ब्लड पंप किया था, वो ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस इन कोरोनरी आर्टरीज से आपके हार्ट तक पहुंचेगा और आपके हार्ट मसल्स को हेल्प करेगा ना फंक्शन करने में। अरे, घर में जो मोटर लगी है वो तो भाई बिजली से चल रही है और पानी को टंकी में भेज रही है, लेकिन हार्ट तो बिजली से नहीं चलेगा। तो इसके पंपिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड इन कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस हार्ट की मसल्स को मिल जाता है, ताकि दिल धड़कता रहे। इतना समझ आ गया तो अब ये भी समझो कि हार्ट अटैक के टाइम एग्जैक्टली होता क्या है। हार्ट अटैक के समय ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये ब्लॉक हो जाती हैं। बस इनके ब्लॉक होने को ही हार्ट अटैक बोला जाता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज बंद हो जाएंगी तो धीरे धीरे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन ना मिलने से हार्ट मर जाएगा। उससे पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और इवेंचुअली इंसान की डेथ हो जाएगी। यहां तक आपको ये तो समझ आ गया कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक सिर्फ एक कारण की वजह से हो रहा है, जो है एथेरोस्क्लेरोसिस। घबराओ मत, मेडिकल लैंग्वेज में इन आर्टरीज के ब्लॉक होने को ही एथेरोस्क्लेरोसिस बोल दिया जाता है। पर इस वीडियो के टाइटल को मद्देनजर रखते हुए अभी भी हमें ये पता लगाना है कि आजकल यंग इंडियंस में ये आर्टरीज आखिर क्यों ब्लॉक हो रही हैं। देखो, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन इंसान की कुछ हरकतों की वजह से यहाँ आर्टरीज की वॉल्स पे ऐसे फैटी सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं जिसे प्लैक बोलते हैं। इस प्लैक की वजह से आपकी आर्टरीज नैरो हो जाएंगी और आपकी हार्ट मसल्स तक ना के बराबर खून पहुँच पाएगा। हार्ट अटैक के मैकेनिज्म को बेटर समझाने के लिए मैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को साथ लेके चलता हूँ। 10 अगस्त 2022 को कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक आता है और धीरे धीरे मार्केट में खबर फैल जाती है कि भैया जिम मत जाओ, जिम जाने से तो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बात में जरा भी सच्चाई है? नो। तो राजू श्रीवास्तव सर को जिम में हार्ट अटैक क्यों आया? ध्यान से समझो, कोई भी इंसान जब जिम में वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी में ब्लड तेजी से पंप करता है और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस करके हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने पर ये जो आर्टरीज की वॉल्स हैं, ये रप्चर हो सकती हैं और कुछ इस तरीके से प्लैक इन आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, जिससे हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाने से हार्ट बीट करना बंद कर देगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप जोर लगा के एक्सरसाइज करोगे तो आपकी आर्टरीज भी रप्चर हो जाएंगी और आपको भी हार्ट अटैक आएगा? नो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम का ट्रेनर क्रिस गेथिन जब कहता है कि लास्ट रेप में अपनी पूरी जान डाल दो तो वो गलत है? नो। एंड सो आई वुड ट्रेन टू एब्सोल्यूट फेलियर, मीनिंग दैट आई कुडंट डू वन मोर रेप इवन इफ माय लाइफ डिपेंडेड ऑन इट, अराउंड 50 रेपिटिशंस। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मिल्खा सिंह और दारा सिंह को अपना आइडल मान के आप एक्सट्रीम लेवल पर एक्सरसाइज मत करो और छुई मुई की तरह 5-5 के डंबल मार के जिम से वापस आ जाओ? नो। सुनो, ध्यान से समझो इधर हो क्या रहा है। हाल फिलहाल में जितने भी सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक से मरे हैं, उनके बारे में हमको बस ये पता है कि वो जिम में थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और हार्ट अटैक आ गया। लेकिन क्या हमें ये पता है कि उनके नंबर्स क्या थे, उनका ब्लड प्रेशर क्या था, उनका ब्लड शुगर लेवल क्या था, उनका लिपिड प्रोफाइल क्या था? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका समाधान ये है कि जिम ज्वाइन करने से पहले आपको अपने हार्ट की कंडीशन पता होनी चाहिए। हॉस्पिटल जाओ और एक ECG टेस्ट होता है, उसके माध्यम से अपने हार्ट की चेकिंग कराओ। अगर ECG टेस्ट के बाद डॉक्टर्स आपको बोलें कि आपको हार्ट कंडीशन है या फिर जेनेटिकल फैक्टर्स हों, जैसे आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो मेक श्योर कि आप लिमिट में ही फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं, इस केस में आपको हर चीज का ध्यान रखना है। जैसे इस केस में आप जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट लेना भी अवॉइड करें। प्री वर्कआउट में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा है और प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर आपको हार्ट कंडीशन नहीं है और जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, आप टोटली फिट हो, तो उस केस में भी आप
आपको एक कंडीशन में जिम में हार्ट अटैक आ सकता है और वो है एक दूसरे की होड़ करना। जिम में घुसते ही आपने देखा राइट साइड में दोस्त इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, लेफ्ट साइड में क्रश वर्कआउट कर रही है, और अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आपने 40-40 के डंबल्स उठाए और सीधा इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस पर ले लिए। इस बेवकूफी भरी हरकत से आपकी हार्ट मसल्स पर अनएक्सपेक्टेड लोड आएगा और आर्टरीज के वॉल्स के रप्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिम में घुसते ही क्या आपने स्ट्रेचिंग की? नो। क्या आपने वार्म अप किया? नो। अगर इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर तो करो। आर्टरीज ब्लॉक होने से हार्ट अटैक हो रहे हैं और हार्ट कंडीशन ना हो तो जिम जाने से हार्ट अटैक्स नहीं आते। ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ आ गईं। इस वीडियो में लास्ट बस अब हमको ये समझना है कि यंग इंडियंस में कोरोनरी आर्टरी में ये जो फैटी सब्सटेंसेस और कोलेस्ट्रॉल यानी प्लेक इकट्ठा हो रहा है, इसको कैसे रोकें? अगर इसका समाधान मिल जाए तो हार्ट अटैक की टेंशन खत्म। खैर, देखो, डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोनरी आर्टरीज में इस प्लेक के पीछे तीन चीजों का हाथ है। मेरी टेबल पर रखी ये तीनों चीजें आप देख रहे हो। न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में इनको 3 white poisons बोला जाता है, और टेंशन की बात ये है कि ये हमारी ईटिंग हैबिट्स का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। और ये तीनों चीजें हैं सॉल्ट यानी नमक, रिफाइंड शुगर यानी चीनी, और तीसरे नंबर पे है मैदा। एक स्टडी सजेस्ट करती है कि किसी भी कंडीशन में एक इंसान को एक दिन में 5 grams से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन बैड न्यूज ये है कि रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियंस ऑन एन एवरेज एक दिन में 11 grams सॉल्ट खा रहे हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के दुगने से भी ज्यादा है। सिमिलरली प्रोफेशनल सजेस्ट करते हैं कि किसी भी कंडीशन में एक इंसान को एक दिन में 30 grams से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। हाँ, 30 ग्राम तो हम 2 बार की चाय में निपटा देते हैं। और रही बात मैदा की, तो मैदा तो लिटरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपकता है। न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में मैदा को ग्लू ऑफ द गट बोला जाता है। कारण यह है कि मैदा में कोई न्यूट्रिशनल और फूड वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग के टाइम फाइबर्स तो निकाल लिए जाते हैं। इसे खाते ही जाके ये आपके इंटेस्टाइन में चिपकेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन करेगा वो अलग, और फैट बढ़ाएगा वो अलग। अरे मैदा तो फिर भी प्योरली कचरा है। आयुर्वेदा में तो ये तक भी मेंशन है कि रेगुलर बेसिस पर तो व्हाइट राइस और गेहूं भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके भी रेगुलर कंजम्पशन से मेद रोग और ओबेसिटी बढ़ने के फुल चांसेस रहते हैं। इस पॉइंट को बायोलॉजिकली आप ऐसे समझो कि जब आप शुगर और एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, जैसे प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ और प्रोसेस्ड शुगर एक्सेट्रा, तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल अचानक से ऊपर जाता है। लेकिन उस समय बॉडी को इतने शुगर की नीड है नहीं, तो बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देती है, जो उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण है कि बाबा रामदेव आपको इतने सालों से चिल्ला चिल्ला के समझा रहा है कि इस गुलाब जामुन और बंगाली मिठाई का 95% आपकी बॉडी के अंदर जाके फैट में ही कन्वर्ट होना है। और अगर आप लगातार खाओगे तो बाहर से देखने में तो सिर्फ 8 months प्रेग्नेंट दिखोगे, लेकिन अंदर से पेनक्रियाज में सूजन आएगी और ग्रेजुअली डायबिटीज के रास्ते। रही बात कोरोना वैक्सीन की, तो कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जिन जिन लोगों को mRNA वैक्सीन लगी थी, उनमें से काफियों में हार्ट इश्यूज नोटिस किए गए हैं। लेकिन ऐसे हार्ट इश्यूज जो बहुत रेयर एंड माइन्यूट हैं और कम्प्लीटली रिकवरेबल हैं, जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। कोरोना वैक्सीन लगने से किसी को हार्ट अटैक तक आ जाए, ऐसे केसेस सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हो कि मैं इस बात पर कितना भरोसा करूंगा, तो मेरा आंसर है रत्ती भर भी नहीं। ये $1 billion मेडिकल इंडस्ट्री के ड्रग माफियाज आपके सामने वही रिपोर्ट्स और स्टडीज पुट करवाएंगे जिनसे इनको नुकसान ना पहुंचे। फाइनली आप समझ चुके हो कि हार्ट अटैक से बचने के लिए ये 6 really इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है ये 7वीं बात। कान खोल के सुनो हार्ट एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never smoke. I would never smoke anything. I would never smoke. I would never smoke. Smoke. It's the worst thing you can possibly do for yourself. खैर, रिपोर्ट्स बताती हैं कि हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे में 30% लोगों की जान चली जाती है और 8 से 10 मिनट के अंदर ब्रेन में परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें रोकी जा सकती हैं अगर आपको ये पता है कि CPR कैसे देते हैं। इनफैक्ट CPR देते वक्त कई बार तो रिब्स भी टूट जाती हैं, और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि रिब्स टूट भी जाएं तो भी CPR चालू ही रखना है। खैर, अगली वीडियो में CPR देना सिखाऊंगा, लेकिन रुको, इस वीडियो पे क्लिक करके ध्यान से समझो कि स्मोकिंग करने से धीरे धीरे लंग्स और हार्ट कैसे डैमेज होते हैं।